राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी फैमिली भी सकुशल होगी, आई होप सो। आज हमारा काम चल रहा है थोड़ा सा मक्के में दवाई लगाने का। सुबह के बज रहे हैं 7 और हमारा नए दिन का नया काम शुरू हो गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मक्का हमने स्वीट कॉर्न लगाया है जो कि 5 मई को हमने लगाया था। एक खेत में 5 मई को लगाया था और एक खेत में 12 मई को लगाया था। तो उसमें अभी क्रॉसिंग हो रही है, फ्लावर सेटिंग हो रहा है, तो हमें उस पर अभी खास ध्यान देना होता है क्योंकि ये वाला मक्का थोड़ा स्वीट होता है, तो दवाई का स्प्रे का ध्यान रखना है। तो अभी जब इसके फूल निकल ही रहे हैं तभी हमें इस पर दवाई लगानी है। तो दवाई की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हमारी चल रही है, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ थोड़ी बारिश हुई थी तो हमारा जो भी छत से बहुत ही अच्छा नेचुरल सीन क्रिएट हुआ था, तो मैं आपको दिखाऊती हूँ। और मक्का बड़ा हो चुका है तो हम अंदर से आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो हमारा पूरा मक्का वाला खेत मैं आपको छत से दिखाऊंगी, जिसमें फूल भी आ गए हैं जिस वाले मक्के में। तो इसी जो फूल आए हैं और अभी जो छोटा है, वो दोनों मक्कों में ही हमें आज दवाई का स्प्रे करना है। तो वीडियो में बने रहिए और मैं आपको हमारा देसी वाला जो खजूर है का पेड़ है वो भी दिखाऊंगी। देखिए, बहुत ही सुंदर हमारे खजूर करीबन करीबन 15 दिन में पक जाएंगे। और यहाँ पर चल रही है हमारी थोड़ी बहुत हमारा दवाई लगाने का जो भी पंप है, पानी स्टोरेज करने का और दवाई बनाने का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है हमारा दवाई बनाने का पंप। अभी उसकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग चल रही है, देखिए, क्योंकि पिछली बार जो दवाई लगाया था वो घास का था, इसीलिए वो दवाई वाला पंप नहीं चलेगा। तो इसे वॉश करने का भी काम चालू है और यहाँ से हमारा पानी का कनेक्शन है। जीवामृत भी हमारा यहीं पर बनता है, जहाँ पर राजू खड़ा है वहाँ पर, तो पानी का कनेक्शन वहाँ पर है। और गायों का भी कनेक्शन यहाँ से है, जाके ताकि इस वाले कुंड में पानी आता रहे। देखिए, गायों का हमारा पानी की व्यवस्था है। ये फ्रेंड्स, ये हमारा दवाई लगाने का पंप है और इसमें अभी थोड़ी बहुत ऑयल कम था तो ऑयल की फिलिंग चल रही है। और फ्रेंड्स, ये पंप की ना थोड़ी बहुत सेटिंग हमने हमारे हिसाब से चेंजेस किए हैं उसमें, इसीलिए हम इसे हमारा जुगाड़ू पंप कहते हैं। तो आप भी अपने पंप की इसी तरह से अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करवा सकते हैं। हमने भी हमारे हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करवाए हैं, उसके सेटिंग बदली है हमने। तो ये हमारा हो गया है, ऑयल की फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। देखिए, ये वो ढक्कन लगा रहे हैं विकास अभी, तो उसके बाद हमारा काम चालू हो जाएगा दवाई का। ये विकास ऑयल वापस से रख रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी विकास नोजल को चेक कर रहे हैं और उनका प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, और पिछली बार नोजल में जो भी दवाई होगी वो निकाल रहे हैं। और पिछली बार जो भी दवाई लगाया था वो घास का था, तो वो हमारे आसपास जितना भी घास है विकास उस पर लगा रहे हैं, जब तक कि दवाई सारी पंप में से और नोजल की पाइप में से निकल नहीं जाती, तब तक वो यहाँ पर स्प्रे करेंगे और प्रेशर चेक करेंगे कि अभी दवाई का प्रेशर कैसा है और दवाई निकला कि नहीं निकला। और क्लीन पानी जब तक आएगा तब तक वो यहाँ वहाँ घास है वहाँ पर वो स्प्रे करते रहेंगे।
फ्रेंड्स, हमारी अगली वाली दवाई अभी तक निकल रही है क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा थी। इस ओर विकास निकाल रहे हैं नोजल से और इस ओर राजू हमारा बाल्टी में पाइप से वो दवाई निकाल रहा है। और देखिए इस तरह से बाल्टी शायद पूरी भर चुकी है। तो विकास राजू को बोल रहे हैं वो बाल्टी लेकर के इस ओर घास में ले जाइए और इसमें डाल दीजिए। देखिए राजू अभी बाल्टी उठाएगा और बाल्टी अभी यहाँ आकर के इस ओर आकर के घास में डाल देगा। देखिए ये सारी हमारी घास की दवाई है, इसीलिए यहाँ पर दवाई लगा रहे हैं अभी। और ये घास भी सूख जाएगा और हमारा दवाई का पंप भी खाली हो जाएगा। अभी ऑलमोस्ट हमारा दवाई, विकास अभी दवाई बना रहे हैं। मैं दवाई का नाम और मेजरमेंट आपको बाद में बताऊंगी, पहले वो दवाई बनाते किस तरह से मैं वो आपको बताऊंगी। तो वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक ज़रूर देखना। अभी हमें शिवू से दूर रहना है क्योंकि शिवू अगर दवाई ये पी लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने बाल्टी ये हमारे दवाई का नाम है। देखिए ये इसमें इन्होंने मिलाया है। और ये दवाई क्या है और इसके यूज़ क्या है वो मुझे बाद में बताएंगे क्योंकि अभी ट्रैक्टर की आवाज़ ज़्यादा है तो वो अभी मेरे साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो खुद बताना चाहते हैं लेकिन आवाज़ ज़्यादा है, वो बता नहीं पा रहे। यहाँ राजू हमारा दवाई वाला गोल मिला रहा है और अभी ये दवाई हम अपने जो भी ये उसमें टंकी है उसमें डाल देंगे। और अभी कुछ मेजरमेंट से विकास भी दवाई डाल रहे हैं हमारी जो भी दवाई वाला पंप है ट्रैक्टर के साथ, उसमें ये दूसरा वाला दवाई है। दोनों दवाई में फ्रेंड्स आपके साथ बाद में शेयर करूंगी कि मेजरमेंट के साथ शेयर करूंगी। देखिए जब भी हमारा मक्के में स्प्रे होगा आगे, तब मैं ये दवाई और इसके मेजरमेंट आपके साथ शेयर करूंगी और इसके फायदे भी बताऊंगी। ये दवाई हमें किस लिए लगाई है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको मक्का में दवाई छिड़क रहे है वो दिखाता हूँ और कौन सी दवाई है और किस तरह स्प्रे करता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम समझो चार चार के बीच में पाइप लेके गन से स्प्रे कर रहे हैं, ट्रैक्टर पंप है मेरा और इसमें दवाई UPL की गुंथर और स्टिकर और साथ में जिंक भी है। फ्रेंड्स, विकास आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते थे लेकिन ट्रैक्टर की वजह से नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने आज हमने यूज़ किया है दवाई में स्टिकर, जिससे कि हमारा 10-20% दवाई का रिजल्ट बढ़ जाए, जो कि स्प्रेडिंग का काम करता है वो मिलाया है। और दूसरा लगाया है हमने UPL कंपनी का गुंथर करके है और टेक्निकल है नोवा ल्यूरोन, एबामेक्टिन और बेंजोइट है। और इसका मेजरमेंट है 2.5 ml
पर लीटर हमने ये दवाई मिलाई है और साथ में जिंक भी डाला है। तो देखिए इस गन से हमारा स्प्रे कैसे चल रहा है। और गन से स्प्रे करते वक्त ना फ्रेंड्स, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपका जो भी स्प्रेडर है यानी दवाई लगा रहा है वो उसको मुंह आपका कवर करवाना है। देखिए हमारे काका ने अपना मुंह कवर कर लिया है। मक्का बड़ा हो चुका है तो आप इसे अंदर से नहीं देख पाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर से कर लेना ताकि और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाए। और सब्सक्राइब बटन के बाद बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और इसकी जानकारी आपको मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स आज थोड़ा ना वेदर बारिश वाला है, यानी कि कब बारिश आ जाए ये कह नहीं सकते हैं, फिर भी हम दवाई लगाने का रिस्क ले रहे हैं। तो फिंगर क्रॉस करके हम दवाई लगाने का रिस्क ले रहे हैं क्योंकि किसान है तो ऐसे छोटे मोटे रिस्क तो लेने ही पड़ते। देखिए बादल कैसे बरसने की तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं हमारे मक्के के खेत के ऊपर से दिखाती हूँ, शूट तो वो करना चाहती थी, अंदर से हमारा मक्का दवाई लगा रहे वो दिखा दे पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कैसे ये चिड़िया अपना घोंसला सीकर बना रही है, ट्रेलर बर्ड है शायद। और ये हमारे खजूर के पेड़ पर बहुत सारे घोंसले बनाए हैं इन्होंने। इस पर हम अगर इसके घोंसले अगर खाली हो जाए और इस पर नाइट लैम्प की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ का नज़ारा, देखिए हमारी मिर्ची की मल्चिंग भी आप देख सकते हैं।